श्री गणेश उत्सव जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे तमाम तरह की तैयारियों के साथ ही श्री गणेश प्रतिमाओं के निर्माण कार्य में भी तेजी आ रही है। इंदौर शहर में इस बार गणेश प्रतिमाओं को लेकर बंगाली कलाकारों द्वारा काफी मेहनत की जा रही है। दरअसल इंदौर शहर में वैसे तो हर त्योहार धूमधाम के साथ मनाया जाता है, लेकिन गणेश उत्साह की एक अलग ही छटा देखने को मिलती है। इसी कड़ी में बंगाली कलाकारों द्वारा हर वर्ष की तरह इस बार भी आकर्षक प्रतिमाएं निर्मित की जा रही है। आकर्षित प्रतिमाएं निर्मित की जा रही है। बंगाली चौराहा के समीप प्रतिमा निर्माण स्थल पर अलग-अलग पंडालों में हजारों की तादाद में मूर्तियां बन रही हैं। बंगाली कलाकारों की माने तो इस बार इंदौर शहर में गणेश प्रतिमा मिट्टी से निर्मित हो रही है। प्लास्टर ऑफ पेरिस पर प्रतिबंध लगने के बाद सभी कलाकार मिट्टी के प्रतिमाएं बना रहे हैं, जहां शहर में सामान्य पंडालों के लिए 2000 से लगातार री पंडालों के लिए 2000 से लगकर लाखों रुपए की कीमत तक प्रतिमाएं री लाखों रुपए की कीमत तक प्रतिमाएं बन रही हैं, जहां भगवान शिव के स्वरूप की मूर्ति इस बार अधिक पसंद की गई है। वहीं कई कलाकारों द्वारा खाटू श्याम की तर्ज पर भी प्रतिमाएं बन रही हैं। बंगाली कलाकारों ने मीडिया के सामने यह बात स्वीकार की है कि हर बार महंगी री यह बात स्वीकार की है कि इस बार महंगाई की मार है और री मीडिया के सामने यह बात स्वीकार की है कि इस बार महंगाई की मार है, लेकिन धार्मिक उत्सव की धूम भी जोरदार रहेगी। पिछले 15 सालों से हम गणेश भगवान की मूर्तियों को स्थापित कर रहे हैं। अभी हम लोग आए हैं रोबोट चौराहे से। जैसा कि 4 से 5 दुकानें हैं यहाँ पे बड़ी बड़ी, और सभी जगह मूर्तियाँ बुक हो चुकी हैं। मात्र 2 मूर्तियाँ भाई साहब के पास बची हुई हैं। इस बार देखा जाए तो पहले से ज़्यादा जो क्रेज़ होता है प्रभु गणेश जी को बिठाने का, और अभी रेट भी बहुत ज़्यादा है, फिर भी लोग बुक कर रहे हैं। आपने पसंद की अभी? हाँ, एक पसंद आई है, एक अब 18 से 20 हज़ार बता रहे हैं, देखते हैं कितना कितने में देते हैं। कोरोना को देखते हुए किस तरीके से आपकी पूछा बनाएंगे आप? अब 2 साल तो बंद था सारी चीज़, अब 2 साल तो सब लोग अपने अपने घर में ही थे। अब सोच रहे 2 साल को एक ही साल में हम इंजॉय कर लें। इस बार तो जितना जो लगे महंगाई है भारी, इस बार क्या देंगे? महंगाई है, महंगाई के हिसाब से अब मैनेज करेंगे कैसे। जैसे कोरोना कोरोना में निकाल लिया तो अभी क्या है, अब तो थोड़ा बहुत अर्निंग भी होने लग गई सबकी। आपका परिचय? मेरा नाम अनूप यादव है। आप प्रतिमा खरीदने देखने आए हैं यहाँ पर, क्या कहेंगे, किस तरह से उत्साह है इस बार? देखिए, सर्वप्रथम तो आप सभी को पता है कि इंदौर हमेशा नंबर 1 रहा है, और साफ सफाई के हिसाब से, और अभी वातावरण को देखते हुए इको फ्रेंडली गणेश जी सब यूज़ कर रहे हैं। हम हमारी कॉलोनी पुष्प पार्क जो है वो उसके लिए आए हैं, और हमेशा हम लोग मिट्टी की मूर्ति उपयोग में लेकर आते हैं। तो आज भी हम जो है, हमारे भाई साहब जो बंगाली कारीगर हैं, ये भारे बहुत पुराने हैं, जुड़े हुए हैं, इनसे हम मूर्ति ले जाते हैं, तो मिट्टी की मूर्ति लेने के लिए आए हैं। और बहुत ही अच्छी सुंदर प्रतिमाएँ भी बनाई इन्होंने, और इन्हीं के साथ हम हमेशा मूर्ति ले जाते हैं। और हमारा यही संदेश है, पूरा पुष्प पार्क कॉलोनी की ओर से संदेश है कि सभी लोग इको फ्रेंडली मिट्टी के गणेश जी की मूर्ति उपयोग में लेकर आएँ, ताकि वातावरण भी शुद्ध रहें। महंगाई का कितना असर लग रहा है? महंगाई का जिस प्रकार से बता रहे हैं, इस बार बहुत असर है, क्योंकि हर चीज़ में कारीगर कहना है कि GST लग रही है, महंगाई है। महंगाई तो है, पर क्या करें, त्यौहार है तो सभी को मनाना है, इसलिए सभी लोग एडजस्ट करके इसको आगे कर रहे हैं। आपका परिचय? मेरा नाम आनंद गौर, और मैं इंदौर की निवासी हूँ, पुष्प पार्क देवगुड़ारिया का रहने वाला हूँ मैं। सर बताएं, गणेश उत्सव आ चुका है और आप मूर्तियां भी निर्मित करते हैं हमेशा, क्या कहेंगे इस बार, कैसा रहा व्यापार आपका, कैसा चल रहा है? ठीक है, इस बार 2 साल लॉकडाउन का, उसके बाद लोगों का मूड है, गांव से भी कस्टमर आ गए। प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों पर प्रतिबंध है, यहाँ पर बन रही है क्या मूर्ति? नहीं, हमारे यहाँ सब क्ले का है, हमारा शुरू से मिट्टी से बनता है। क्ले की मूर्तियों की बात करें तो किस किस कीमत की मूर्ति, कहाँ से शुरुआती तौर पर दाम है और कहाँ तक छू रहे हैं दाम? बस 2000 रुपया से शुरू, सबसे छोटा साइज जो है 2000 रुपया से, और आखिरी तक? आखिरी साइज के ऊपर आता,
मतलब आपके पास कितने तक की मूर्तियाँ हैं? हमारे पास 10-12 फीट तक है। कितने की सबसे बड़ी जो अच्छी 12 फीट का मूर्ति 3000 रुपये फीट के हिसाब से चलती है। 3000 रुपये। क्या इस बार क्या खास है मूर्तियों में, कुछ विशेष अलग डिजाइन क्या है? जो होता है हमेशा होता है वही है, ज़्यादा खास क्या है। कितने कारीगर आए हैं आपके पास? मेरे पास 10 कारीगर है। आपका नाम? चंद्रनाथ पाल।